साथियों आपके पास यहाँ पे जो ये समीकरण दिया गया है 30 प्लस 28 मल्टीप्लाई 7 प्लस 14 स्टार 2, इन सभी के मान को आपको इस प्रकार से इंटरचेंज करना है जिस प्रकार से ऊपर यहाँ पे कंडीशन दी गई है। इसके बेस पे नीचे चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है तो चेकआउट कीजिए। कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल। साथियों आपके पास सबसे पहले यहाँ पे जो ये समीकरण है इसको आप विदाउट निशान के एज इट इज नोट डाउन कीजिए। जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 30, 30 के बाद यहाँ पे 28, 7, 14, 2 ऊपर जो कंडीशन दी गई है। अब इस कंडीशन को आप चेकआउट कीजिए कौन से निशान को यहाँ पे इंटरचेंज किया गया। जैसे सबसे पहले यदि प्लस को यहाँ पे लिखा जाता है माइनस से, तो जहां पर भी प्लस है वहां पे आप माइनस को नोट डाउन कीजिए। आपके पास ये जो समीकरण इसमें प्लस कहाँ पे है, दो स्थान पे, एक तो 30 और 28 के बीच में और एक 7 और 14 के बीच में, तो इन दोनों के स्थान पे आप माइनस को कुछ इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए। 30 और 28 के बीच, 7 और 14 के बीच आपको माइनस को नोट डाउन करना है। इससे आगे चेकआउट कीजिए, माइनस के स्थान पे आपको नोट डाउन करना है स्टार। तो आपके पास जो ये समीकरण है इसमें कहीं पर भी माइनस का निशान है बिल्कुल नहीं, इसका मतलब स्टार को लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इससे आगे चेकआउट कीजिए, स्टार के स्थान पे मल्टीप्लाई, जहां पर भी स्टार है वहां पे मल्टीप्लाई। समीकरण में आपके पास स्टार कहाँ पे है, 14 और 2 के बीच, तो 14 और 2 के बीच आप यहाँ पे मल्टीप्लाई को नोट डाउन कीजिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद लास्ट आपके पास है मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड, तो मल्टीप्लाई आपके पास कहाँ पे है, 28 और 7 के बीच, तो इन दोनों के बीच आप डिवाइड को कुछ इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए। अब आपके पास साथियों ये जो समीकरण है सिंपली इसको सोल्व आउट करना है तो कीजिए। सबसे पहले आप सभी को क्लियर है किसको हम सोल्व आउट करते हैं, डिवाइड, तो डिवाइड कहाँ पे है, 28 और 7 के बीच, तो आप कीजिए 7 को अगर हम 28 पे डिवाइड करें तो कितने टाइम रहेगा यहाँ पे, 7 चौक 28। पीछे की संख्या को आप एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे माइनस आपके पास 14 मल्टीप्लाई 2, इससे पीछे नंबर ये है और इससे आगे आपके पास है 30। इसके बाद हम किसको सोल्व आउट करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहाँ पे है, 14 और 2, तो कीजिए 14 दूनी यहाँ पे 28। अब इससे आगे सोल्व आउट कीजिए, 30 हमारे पास यहाँ पे है प्लस के 4 नंबर और 28 नंबर ये किसके हैं, हमारे पास माइनस के, तो माइनस माइनस हमारे ऐड होंगे यानी प्लस होंगे, तो 28 और 4 हमारे पास कितने हो जाएंगे साथियों, 32। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 30 और माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे पास 32, क्योंकि साथियों 4 भी माइनस का है और 28 भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन निशान आपका माइनस का रहेगा, आपको अच्छे से क्लियर है। तो 28 और 4 32, अब 32 में से अगर हम 30 को माइनस करें तो हमारे पास कितने नंबर बचेंगे यहाँ पे, माइनस के 2, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, 30 प्लस के 32 में से 30 को निकालेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस के 2 बचे। तो ए बी सी डी में किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं साथियों आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका है।